गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय विकास जैन। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेट। इज देर एनी डाउट? सबसे पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। नाउ नेक्स्ट, आज का टॉपिक लिखो बेटा आज की डेट के साथ, और टॉपिक है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। क्या टॉपिक है? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग है बेटा ऐसा पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। द पॉइंट एट विच नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। एक बात बताओ, किसी भी क्वांटिटी के जीरो होने के चांसेस कब होते हैं? जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, तब जीरो होने के चांसेस क्या हो जाते हैं बेटा? इंक्रीज। ओके, नाउ एक पॉइंट याद करो, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होती है? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होती है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर? नाउ ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखो इधर। सबसे पहले बेटा यहां बनाया मैंने जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, यहां बनाया मैंने जियोग्राफिकल साउथ पोल। दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनसाइड द अर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड। अब आपने एक मैग्नेट रखी यहां पे, ये मैग्नेट रख दी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास में। दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेट। क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए मैंने मैग्नेट की वजह से। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो आप, यहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रही है और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसका मतलब यहां पर इस लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के जीरो होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और यह लाइन क्या कहलाती है बेटा? इक्वेटोरियल लाइन। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास में होगा तो बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? तो आप सब बच्चों का आंसर होगा सर ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, वापस बनाओ यहां पे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, यहां बनाओ जियोग्राफिकल साउथ पोल। दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैग्नेट, ठीक है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर? अब आपने एक मैग्नेट रखी जिसका साउथ पोल ये रहा, नॉर्थ पोल ये रहा, जस्ट ऑपोजिट। दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये देखो बेटा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में, तो यहां तो जीरो होने के चांसेस नहीं है। अब जीरो होने के चांसेस कहां है बेटा? इस लाइन के अलोंग एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। जब भी मैग्नेट का साउथ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के पास में होगा, आपको न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा बेटा? ऑन द एक्सिस। तो आपको डेफिनेशन आई समझ में न्यूट्रल पॉइंट की? दोनों सिचुएशन आ गई समझ में? नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं, यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल देखो बहुत आसान है। मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक चार्जेस रिप्रेजेंट बाई स्मॉल एम। डाई मतलब डबल, पोल मतलब पोलारिटी। अगर एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा बेटा? माइनस। एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा? माइनस। क्लियर है? जैसे ये माइनस एम हो गया, ये प्लस एम हो गया। तो एक बात देख रहे हो बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट देयर नेचर आर ऑपोजिट एंड सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक चार्जेस, कितने चार्जेस हैं? डबल। और पोलारिटी मतलब अगर एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा बेटा? माइनस। आई डेफिनेशन समझ में? नेक्स्ट लिखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंट बाय एम वेक्टर। ओके, एम वेक्टर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एम एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय 2a। और डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल।
फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आपको लग रहा है कि इट इज वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप सब बच्चे फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, जहां एम वेक्टर की जगह पी वेक्टर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल एम की जगह क्यू आ जाएगा और ये आपका टू ए, और डायरेक्शन क्या होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहां तक कोई डाउट? ओके बेटा, नेक्स्ट आपको याद है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ई की जगह लिखेंगे कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड, के की जगह लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ठीक है, स्मॉल क्यू की जगह स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट है के, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्स्टेंट है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। अगर चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा? डाउनवर्ड। यहां तक कोई डाउट आपको? ओके, नाउ नेक्स्ट हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डील करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। तो सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह मैग्नेटिक डाइपोल बनाओ, ओके, यहां लिख दो माइनस एम, यहां लिख दो प्लस एम, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दैट डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ ए। याद आ रहा है बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू, सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे एक पॉइंट पी लो जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, ओके। नाउ सबसे पहले चार्ज कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए इनवर्ड, तो ये रहा एरो, दैट इज बी वन। तो बताओ बी वन क्या होगा? दैट इज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बेटा? जैसे ये टू ए है, इसको ब्रेक कर लो, ए प्लस आर, मतलब आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, दैट इज बी टू। तो बी टू क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सिंस बोथ द मैग्नेटिक फील्ड आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट पी, इट विल बी द डिफरेंस ऑफ बी टू माइनस बी वन। ओके, आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। डायग्राम इरेज करता हूं मैं एक बार। नाउ बेटा बी टू माइनस बी वन, बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट एम अपॉन फोर पाई, कॉमन ले लिया मैंने, यहां बच गया वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छे बच्चों की तरह आप इसको एलसीएम लोगे, म्यू नॉट एम अपॉन फोर पाई, आप इसका एलसीएम लोगे प्रॉपरली। एलसीएम क्या आएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा बेटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हेयर विल कम आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर। आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, पता क्या मिलेगा आपको? हेयर विल कम फोर ए आर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटे फोर को ब्रेक किया मैंने, टू मल्टीप्लाई बाय टू, यहां लिखा टू, या आगे टू ले गया। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों बेटा? एम इंटू टू ए क्या बन गया? कैपिटल एम। क्या बन गया? कैपिटल एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम। तो फॉर्मूला क्या आ गया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, इट विल बी बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर एज इट इज फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी बेटा ड्राइव कर लेना दोबारा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की जगह क्या आ गया? टू, एम की जगह पी, आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। आपका सेल्फ टास्क है, आप बच्चों को फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट एज वी यूज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंडली यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द मैग्नेटिक डाइपोल। कर सकते हो इतना? देखते हैं आप में से कितने बच्चे आज करके सेंड करते हैं मुझे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस कर लेंगे।
थैंक यू बेटा, आज के टॉपिक में कोई डाउट है? ओके, थैंक यू।